हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत अभिनंदन है। और हम लोग जो है उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे। आप लोग सुबह की क्लास देखे होंगे, सुबह आपने पहले देखा इंग्लिश और उसके बाद फिर आज हमने कहा स्पेशल क्लास आपको बीच बीच में मिलेगी। दोस्तों आप क्या करिए, कुछ ना करिए दोस्तों, केवल जीएस में आप लूसेंट का पढ़ते रहिए, क्योंकि इसमें बेसिक आता है। आप सब लोग जानते हैं कि जो एयरफोर्स में जीएस पूछा जाता है, बेसिक जीएस पूछा जाता है, ठीक, तो रागा में आता है, वो भी ग्रुप वाई वाले में। तो इसलिए आप लोग जो है लूसेंट का पढ़ते रहिए, जैसे सबसे बड़ा क्या क्या है, सबसे छोटा क्या है, या फिर नदियां हो गई आपके, कौन कौन सी मुख्य नदी है, तो वो सारी चीजें आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए दोस्तों। और जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज 100% पूछी जाती है, वो मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा। उसी क्रम में आज हमारी पहली क्लास है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट दोस्तों कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी देखेंगे दोस्तों आज की क्लास में। तो आज की क्लास में दोस्तों कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी देखेंगे और उसके बाद दोस्तों एक क्लास और आपको जियोग्राफी की मैं दूंगा, जिसमें आप केवल जियोग्राफी की एक क्लास आपको और मिलेगी दोस्तों। जियोग्राफी की एक क्लास जो और मिलेगी, उसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। सोलर सिस्टम से भी एक आध प्रश्न कभी कभार पूछ लेता है दोस्तों, ठीक। तो आज की क्लास दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे और मुश्किल से हमको लगता है कि 30 या 35 या 40 मिनट का क्लास रहेगा दोस्तों, 40 या 45 मिनट में दोस्तों आप पूरी कंप्लीट इंडियन जियोग्राफी का पूरा दोस्तों निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और मैंने कहा था कि वही क्लासेस यहां पर आपको दी जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों कुछ बच्चे होंगे जो एनटीपीसी या ग्रुप डी के जुड़े होंगे, उनके लिए भी जो है आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, और एयरफोर्स वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पूरी इंडियन जियोग्राफी पर चर्चा करेंगे और आज की क्लास केवल लाइव चलेगी दोस्तों, अर्थात ऑफलाइन क्लास नहीं रहेगी। मतलब ये दोस्तों कि वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो नहीं दिखेगा, तो इसलिए आप लोग लाइव बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक दोस्तों। और इसका पीडीएफ जो है आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्तों, और पीडीएफ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, अर्थात दोस्तों पीडीएफ पर पासवर्ड पड़ा रहेगा और वो पासवर्ड अभी आपको क्लास में बताया जाएगा। तो वो पासवर्ड आपको अभी क्लास में बताया जाएगा। इसके लिए दोस्तों आप पूरी क्लास देखिए, मोबाइल को हॉरिजेंटल रख लीजिए दोस्तों, कमेंट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप पूरी क्लास एक बार देखिए, कहानी की तरह सुनिए दोस्तों। सुनने के बाद आप पीडीएफ से उसकी नोट्स बना लीजिए, उसको लिख लीजिए। जब आप लिख लेंगे दोस्तों तो आपका तैयार हो जाएगा। और मैंने कहा कि सारी चीजें आपको क्रम वाइज मैं दूंगा, अभी आपको जियोग्राफी की मिलेगी, इसके बाद फिर मैं एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको वन्य जीव अभ्यारण का मिलेगा दोस्तों, फिर एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको बंदरगाह दिए जाएंगे, फिर एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको नेशनल हाईवेज दिए जाएंगे। तो जो जो चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो जो बार बार पूछा जाता है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलेंगी। तो एक बार जल्दी से सब लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए, उसके बाद हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और आपको ले चलते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन की तरफ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्पीड स्टडी। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्पेशल बेसिक क्लास कंप्लीट जियोग्राफी। तो दोस्तों जियोग्राफी में जो जो चीज पूछी जाती है, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है सोलर सिस्टम का, वो एक दिन और लेकर आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट जियोग्राफी सेशन, इसमें से देखिए सबसे पहला चीज आपको दोस्तों पता होना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या लिखा है, देखिएगा, एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों लिखा है ये हमारा भारत देश है, आप सब लोग जानते होंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत देश की लंबाई अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बात की जाए दोस्तों, तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण दोस्तों, अर्थात ऊपर से नीचे अगर बात की जाए तो ऊपर से नीचे की जो लंबाई है
वो 3214 किलोमीटर है। वहीं दोस्तों पूर्व से पश्चिम अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारा 2933 किलोमीटर है। वहीं अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों तो 3287236 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 3287236 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। मतलब प्रश्न पूछा जाता है, चूंकि आप लोग जानते होंगे दोस्तों वाई ग्रुप में रागा में जो प्रश्न पूछा जाता है, रागा में नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए दोस्तों तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और अगर पहले नंबर पर पूछा जाए तो सुनिएगा दोस्तों, ट्रिक देख लीजिएगा, रुक चीन अब आ भारत, यही है ट्रिक दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से हो गया पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, पांचवें नंबर पर ब्राजील, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद दोस्तों भारत। तो ये है दोस्तों, सातवें नंबर पर भारत है और इसकी ट्रिक दोस्तों ये है, रुक चीन अब आ भारत, ठीक दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों अगले की, तो आगे देखिएगा लिखा है स्थलीय सीमा। जी हाँ दोस्तों, लिखा है स्थलीय सीमा। अगर भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे इंडिया दोस्तों, यही हमारा इंडिया है। और इंडिया में दोस्तों देखिए, ये तो आपकी जलीय सीमा है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्र मिल जाएगा, तो ये आपकी जलीय सीमा है। और इसको छोड़ करके दोस्तों ऊपर का जो हिस्सा है ये आपका स्थलीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा की बात की जाए दोस्तों तो 15106.7 किलोमीटर है। वहीं जलीय सीमा अर्थात इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये हमारा 7516 किलोमीटर है। और प्रादेशिक जल सीमा की बात की जाए दोस्तों तो 12 समुद्री मील तक है। प्रादेशिक जल सीमा क्या होता है, जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि ये आपका जलीय सीमा अगर है, ये आपकी जलीय सीमा है, तो यहाँ से दोस्तों 12 किलोमीटर तक भारत के स्थल भाग का स्थान है, ठीक। वही चीज लिखा है दोस्तों कि प्रादेशिक जलीय सीमा 24 समुद्री मील तक है, वहीं संलग्न क्षेत्र मतलब 200 समुद्री मील तक है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ से 200 मील तक भारत जो है, जो हमारा एरिया है, जैसे ये आप ले लिए भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, यहाँ से 200 मील तक समुद्र के अंदर भारत खुदाई कर सकता है, यहाँ पर प्राप्त साधनों को निकाल सकता है, तो ये भारत के अधिकार में आता है दोस्तों। और अगर भारत की जलवायु पूछी जाए दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु जो है दोस्तों वो मानसूनी जलवायु है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, मोबाइल हॉरिजेंटल रखिए और हमारे साथ दोस्तों पढ़ते चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखिएगा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दोस्तों अगर जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें दोस्तों, तो 2001 से 2011 तक, चूंकि आप जानते होंगे दोस्तों 2011 में आपकी जनगणना हुई है लास्ट टाइम, तो 2001 से 2011 तक जो दशकीय जनगणना वृद्धि थी दोस्तों वो 17.7% थी। दशकीय जनगणना वृद्धि जो थी दोस्तों वो 17.7% थी। वहीं अगर लिंगानुपात की बात की जाए दोस्तों, तो 943 प्रति हजार पुरुष, मतलब दोस्तों 943 महिलाओं पर दोस्तों 1000 पुरुष हैं, ये हमारी जो है क्या है, लिंगानुपात है दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें साक्षरता की, साक्षरता मतलब दोस्तों पढ़े लिखे, अर्थात कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो वो चीज बताया जा रहा है दोस्तों। देखिए जनसंख्या घनत्व, तो अगर बात करें तो जनसंख्या घनत्व तो हमारा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं साक्षरता की बात करें दोस्तों, तो साक्षरता आपकी 73% है, पुरुषों की साक्षरता 80.9% और महिलाओं की साक्षरता दोस्तों 64.6% है। महिलाओं की साक्षरता 64.6%, पुरुषों की 80.9% है और कुल साक्षरता दोस्तों 73% है। कुल साक्षरता 73% है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं अगर हम दोस्तों आगे बात करें तो कुल जनसंख्या की बात करें, तो भारत में दोस्तों कुल जनसंख्या 121 करोड़ के लगभग है। ये 2011 का आंकड़ा है दोस्तों, याद रखिएगा 2011 का आंकड़ा है दोस्तों, 121 करोड़ थी। और विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरे नंबर पर है, मतलब पहले नंबर पर दोस्तों चाइना है, दूसरे नंबर पर इंडिया है,
जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों दूसरे नंबर पर है। अगर हम पुरुषों की जनसंख्या की बात करें, वैसे ये तो नहीं पूछा जाएगा दोस्तों, केवल यही पूछा जा सकता है जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। बाकी ये जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहां से आप इसको पूरा देख लीजिएगा और अपनी नोट्स में दोस्तों इसको लिख लीजिएगा। वहीं आगे बात करें दोस्तों, दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 17.7%, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा दोस्तों, इसको हमने बताया अभी। अनुसूचित जाति देख लीजिए दोस्तों, अनुसूचित जाति जनसंख्या दोस्तों लगभग 16.6% है, और वहीं अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की बात की जाए दोस्तों तो ये 8.6% है। भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, तो कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले दोस्तों 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ था, लेकिन होता क्या है कि जो आपका दादरा नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोस्तों, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, ये दोनों एक हो गए हैं, इसीलिए दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और राज्य आपका 28 है ही दोस्तों। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो देखिएगा, कर्क रेखा दोस्तों भारत को जो दो भागों में विभाजित करती है वो कर्क रेखा विभाजित करती है, और प्रश्न पूछा जाता है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं होकर गुजरती, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम, यहां से दोस्तों होकर जाती है। अगर आप ट्रिक की बात करें तो सुनिएगा, ट्रिक देखिएगा दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, जी हाँ दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, ये आपकी ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। तो मि से हो गया आपका मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, प से हो गया पश्चिम बंगाल, र से हो गया राजस्थान, ग से हो गया गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश, झ से हो गया झारखंड, और छ से हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़। दो चीज है, तो सारी चीजें दोस्तों बता दी आपको, मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा पर स्थित देश हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें दोस्तों, तो 17 राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच होते हैं दोस्तों। जैसे यहां से शुरू होता है दोस्तों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और उसके बाद पंजाब के बाद चंडीगढ़, फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नागालैंड। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, टोटल 17 राज्य हैं, 17 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य से स्पर्श करते हैं। और वहीं तेल शोधन शाला की बात की जाए, तेल शोधन शालाओं की बात की जाए दोस्तों, तो 22 तेल शोधन शाला है। और राजमार्ग 266 राजमार्ग है, अर्थात नेशनल हाईवे दोस्तों, नेशनल हाईवे 266 हैं। और वहीं अगर बंदरगाह की बात की जाए दोस्तों, तो बंदरगाह आपके 13 हैं, 13 में आपका एक हो गया गुजरात का कांडला, एक हो गया मुंबई, और एक हो गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, एक हो गया आपका मरमागुआ, एक हो गया आपका कोची, एक हो गया तूतीकोरम, एक हो गया तिरुवनंतपुरम, एक हो गया आपका क्या कहते हैं उड़ीसा में आपका है क्या जिसको बोलते हैं सर, याद रखिएगा इसका नाम अभी चेंज किया गया है, जो कोलकाता पोर्ट है इसका नाम चेंज किया गया है, देखिए याद नहीं आ रहा है अभी, तो कमेंट करिए, अच्छा बताइए कि कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज किया गया हाल ही में, उसका नाम क्या है दोस्तों, कोलकाता बंदरगाह का नाम चेंज किया गया है। जब आपको बंदरगाह वाला पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, अभी याद नहीं आ रहा है, देखिए दिमाग पे है लेकिन आ नहीं रहा है। तो याद रखिएगा कोलकाता बंदरगाह पर एक पोर्ट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया। वहीं दोस्तों आगे देखें तो देखिए, राष्ट्रीय पशु भारत का दोस्तों, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है दोस्तों, मोर है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, बरगद है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, कमल है। देख लीजिए, ये राष्ट्रीय पुष्प है, ये राष्ट्रीय वृक्ष है, ये राष्ट्रीय पक्षी है, ये राष्ट्रीय विरासत पशु है दोस्तों, और ये राष्ट्रीय पशु है। देख रहे हैं दोस्तों, आपको सारी चीजें हमने दिखा दी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों अशोक स्तंभ है, जो कि सारनाथ में स्थित है। कहां पे दोस्तों, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह। और राष्ट्रीय गान दोस्तों, हम लोगों का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, और इसको लिखा कौन था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। राष्ट्रगान किसने लिखा था दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अपने पड़ोसी देश अर्थात बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय गीत की बात की जाए, तो राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, और ये दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है।
आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है दोस्तों, और राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। वहीं दोस्तों आगे हम चर्चा करें तो देखिएगा राष्ट्रीय वाक्य, तो राष्ट्रीय वाक्य है हम लोगों का सत्यमेव जयते दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, और राष्ट्रीय जलीय जीव वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव अपना डॉल्फिन है, याद रखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव ये डॉल्फिन है। वहीं दोस्तों याद रखिएगा एक चीज और देख लीजिए, पासवर्ड के शुरू के दो अंक आप कहीं नोट कर लीजिए दोस्तों, इस पीडीएफ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, शुरू का दो अंक है दोस्तों 45 यानी कि 45, आखिरी दो अंक आपको आगे मिलेगा दोस्तों, चार अंक का पासवर्ड है दोस्तों, दो अंक आपको मैंने बता दिया 45, आगे दो अंक मैं अभी बताऊंगा। वहीं दोस्तों देखिए भारत के जो मतलब कि देश हैं किस किस राज्य से स्पर्श करते हैं, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला देश, भारत के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला देश दोस्तों तो वो बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है जो कि 4096 किलोमीटर है दोस्तों, वहीं सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान से लगती है 106 किलोमीटर। तो दोस्तों बांग्लादेश से बात की जाए तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये सब आपका बांग्लादेश से टच होता है। और वहीं दोस्तों अगर क्रम की बात की जाए बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, उसके बाद दोस्तों अफगानिस्तान। आपके लिए सिर्फ दो प्रश्न है दोस्तों, पहला सबसे ज्यादा सीमा कौन स्पर्श करता है तो बांग्लादेश, सबसे कम सीमा कौन स्पर्श करता है अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा कौन सा राज्य, सुनिएगा दोस्तों भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा स्पर्श करता है, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा वो है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है दोस्तों। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें पूर्वोत्तर की पहाड़ी की बात करें दोस्तों, तो भारत चूंकि जानते होंगे आप भारत के ये इस तरह का मानचित्र है दोस्तों, और ये आपका पूर्वोत्तर इलाका है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी में कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो नागा की पहाड़ी नागालैंड में है, मिजो की पहाड़ी मिजोरम में है, ये और गारो खासी जयंतियां ये भी दोस्तों मेघालय में है, ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो खासी पहाड़ी, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, और गारो खासी पहाड़ी दोस्तों मेघालय में है। वहीं दोस्तों अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे डुला हो गया, मिरी हो गए, ओबेर हो गए, मिसमी हो गए, ये जो है जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं। तो दोस्तों इसमें तीन इंपॉर्टेंट था, तीनों मैंने आपको बता दिया। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो आगे देखिएगा हिमालय के दर्रे, दर्रों से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो हिमालय में जैसे जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है सुनिएगा, काराकोरम दर्रा है, बुर्जिल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, और जो इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो देख लीजिए, एक तो आपका पीर पंजाल इंपॉर्टेंट है, एक आपका जोजिला इंपॉर्टेंट है, एक आपका बुर्जिल इंपॉर्टेंट है, और एक आपका बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो कि आपके परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। वही काराकोरम दर्रे की बात की जाए दोस्तों, काराकोरम दर्रे की बात की जाए तो भारत में दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये काराकोरम दर्रा, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। और वहीं बनिहाल दर्रे की बात की जाए दोस्तों, तो बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है, जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है दोस्तों। बनिहाल सुरंग कहाँ पे है दोस्तों, तो बनिहाल सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रे में है। आइए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझते हैं, देख लीजिए चित्र आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों ये काराकोरम दर्रा है, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं दोस्तों, ये आपका काराकोरम दर्रा है दोस्तों, ये आपका जोजिला दर्रा है, ये आपका बड़ा लाचाला दर्रा है, ये आपका सिकिला दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, देख रहे हो दोस्तों सारा दर्रा, ये मीन दर्रा है, नीति दर्रा है, ये आपका उत्तराखंड है दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, बाकी इधर का एरिया जो ये है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर है आपका। फिर यहीं देखिए दोस्तों बोमडीला दर्रा है ये आपका, ये यांगपांग दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, दीफू दर्रा है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, वहीं तुजू दर्रा है दोस्तों ये आपका यहाँ पर है, कहाँ पे, नागालैंड के पास में है दोस्तों। तो सारा दर्रा हमने बता दिया दोस्तों, ये थे दर्रे दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें तो देखिए मैं इसकी पीडीएफ दूंगा दोस्तों, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, उसमें से अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा सुनिएगा,
बड़ा लाचला दर्रा, सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाने के लिए सिपकीला दर्रे से होकर जाना पड़ता है दोस्तों। वहीं अगर उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे की बात करें दोस्तों, तो मुलिंग या मनाला या नीतिला या लिपुलेख, ये आपका लिपुलेख दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिपुलेख दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो तीर्थयात्री हैं दोस्तों, वो कैलाश घाटी और मानसरोवर झील जो है उत्तराखंड के इसी दर्रे से जाते हैं। वहीं अगर सिक्किम की बात किया जाए दोस्तों, तो नाथुला दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम में है नाथुला दर्रा। भारत चीन के मध्य सड़क मार्ग के जरिए होने वाला व्यापार जो है वो नाथुले दर्रे से ही होता है दोस्तों, तो ये नाथुला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, देखिएगा अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश में आपका बोमीडीला दर्रा है, यापांग दर्रा है, दिफू दर्रा है, तो दिफू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वहीं मणिपुर और म्यांमार पर जो स्थित है वो तुजू दर्रा, वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा जितने भी दर्रे इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने बता दिए दोस्तों, इससे ज्यादा कहीं नहीं पूछा जाएगा। आज आपकी पूरी जियोग्राफी मैं कंप्लीट कर दूंगा, इंडियन जियोग्राफी का कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। आप सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए, आप सबका अपना परिवार है दोस्तों, तो इसलिए आपको लाइक और शेयर जरूर करना चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, अगर प्रश्न बन जाए कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, देखिए दोस्तों लिखा है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है आपका लक्षद्वीप। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, और दोस्तों लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोथ द्वीप, और ये प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, याद रखिएगा प्रवाल भित्तियों से ये निर्मित है। वहीं दोस्तों एक प्रश्न इसमें से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक प्रश्न इसमें से बनता है दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, या फिर पूछ लिया जाए दोस्तों लिटिल अंडमान व निकोबार को कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं पूछ लिया जाए लक्षद्वीप और मिनिकाय को कौन अलग करता है दोस्तों, तो 9 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं पूछ लिया जाए मिनिकाय और मालद्वीप को कौन अलग करता है दोस्तों, तो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। वहीं पूछ लिया जाए अंडमान और म्यांमार और कोको द्वीप के बीच कौन सा चैनल है दोस्तों, तो कोको चैनल है, किसके बीच, अंडमान और म्यांमार के कोको द्वीप के बीच, यानी कि अंडमान और म्यांमार को कौन अलग करता है दोस्तों, तो कोको चैनल अलग करता है। तो एक प्रश्न इसमें से पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं अगर हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है एक प्रश्न, तो सालू की माँ भानमती सोजा, ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। तो सा से आपकी साबरमती, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, साबरमती, लूनी, माही और ताप्ती, ये इतना दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। सा से साबरमती, लू से लूनी, मा से माही, भा से भारत, पूछा या पुनारी, ना से नर्मदा और मा से मांडवी, ता से ताप्ती, सो से सोम, जा से जाखम। तो दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया, एक आपका माही नदी इंपॉर्टेंट है, एक आपका लूनी नदी इंपॉर्टेंट है, एक आपका नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट है, और एक आपका ताप्ती नदी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं दोस्तों। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो देखिए बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में यानी कि यमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, यम से दोस्तों महानदी, पी से दोस्तों पन्नार, गो से गोदावरी गंगा, रे से स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, का से कृष्णा, ब से ब्रह्मणी और वी से वेगाई। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका गोदावरी गंगा ही है, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी हो गई, याद रखिएगा। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है दोस्तों, एकदम बताया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप हमारे साथ लगे रहिए। जीएस का दोस्तों मैं ऐसे ही बीच बीच में क्विज लेकर आऊंगा, उसमें आप पूरा देख लेंगे दोस्तों, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं छांट के अलग करके आपके लिए लेकर आता हूं। परियोजना से एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना किसके किसके बीच है दोस्तों, तो केवल इतना बताना है किस नदी पर है, तो ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना, और ये दोस्तों किस नदी पर है, तो टेनिसी नदी घाटी पर आधारित है और दामोदर नदी पर ये परियोजना बनी है दोस्तों, याद रखिएगा, टेनिसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर आधारित है
और दामोदर नदी पर बनी है दोस्तों। वहीं अगर हम भाखड़ा नांगल बांध की बात करें दोस्तों, तो भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है दोस्तों? पंजाब और राजस्थान तथा हरियाणा की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, और ये दोस्तों सतलज नदी पर है। प्रश्न पूछा जाता है किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, और सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल नामक स्थान, एक गाँव है दोस्तों, वहीं पर इसको बनाया गया है। भाखड़ा और नांगल नाम का एक गाँव है, वहीं पर इसे बनाया गया है, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों आगे बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है दोस्तों ये पंजाब हरियाणा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान की, और ये किस नदी पर है दोस्तों? तो सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर है, और पंजाब में जो हरिके बांध से निकाली गई है, कहाँ से? हरिके बांध से निकाली गई है, और इसका अधिकांश भाग कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो राजस्थान में पड़ता है, इसका अधिकांश भाग दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। तो दोस्तों पासवर्ड मैंने बताया था, स्टार्टिंग के दो अंक हमने वहां पर बताए थे, और लास्ट का दो अंक देख लीजिएगा दोस्तों, लास्ट का दो अंक है 67। शुरू के दो अंक दोस्तों मैंने वहां बताया था पीछे, और लास्ट के दो अंक दोस्तों है आपके 67। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना जो है भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कोसी नदी परियोजना भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है, और ये इसके मध्य जो भारत और नेपाल के मध्य जो समझौता हुआ था दोस्तों, तो 1954 में हुआ था, और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो बाढ़ को नियंत्रित करना था, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध को नियंत्रित करना था। अगला जो इम्पोर्टेंट परियोजना है दोस्तों, हीराकुंड बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उड़ीसा के महानदी पर निर्मित है, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, और ये महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा के संभलपुर जिले में है, उड़ीसा के संभलपुर जिले में है, और सबसे लंबा बांध है दोस्तों। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है, याद रखिएगा 4.8 किलोमीटर है, जबकि अगर तटबंध सहित ले ली जाए तो 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई पड़ जाएगी दोस्तों। वहीं अगली जो परियोजना है दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना, और टिहरी बांध परियोजना दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी नामक स्थान पर है, जो भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर निर्मित है। और टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखिएगा, सबसे लंबा महानदी, सबसे ऊंचा टिहरी बांध, दो हमने बताया, सबसे लंबा बांध महानदी बांध, सबसे ऊंचा बांध दोस्तों टिहरी बांध है। वहीं दोस्तों अगर हम आगे बात करें नागार्जुन सागर परियोजना की, तो नागार्जुन सागर परियोजना ये आपकी आंध्र प्रदेश की परियोजना है, देखिए यहां पर है दोस्तों, और ये कृष्णा नदी पर निर्मित है, कृष्णा नदी पर ये आपका निर्मित है दोस्तों। तो सारी चीजें हमने दोस्तों देखिए चित्र के माध्यम से हर उसमें दोस्तों देखिए, ये आपकी कोसी नदी परियोजना थी, कहां पर थी? यहां पर थी दोस्तों, देखिए कोसी नदी परियोजना। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों हीराकुंड बांध परियोजना, तो सारी चीजें हमने दोस्तों चित्र के माध्यम से देखी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा। पीडीएफ का पासवर्ड मैंने दे ही दिया है दोस्तों, और वहीं याद रखिएगा जो सुबह 10 बजे आपकी सीरीज चलती है दोस्तों, उसको देखना ना भूला करिए, सुबह 10 बजे वाली सीरीज में जरूर आया करिए दोस्तों। वहीं देखिए एयरफोर्स की जो आपकी वन्य जीव अभ्यारण की अगली क्लास है दोस्तों, अगली क्लास वो जल्द आएगी, जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे दोस्तों तो सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो वहीं दोस्तों आप सभी भाइयों को बहुत बहुत जो सहयोग दिया, प्रेम और स्नेह दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।